नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के इस नए वीडियो में। मैं बात कर रहा हूँ आरपीएफ कांस्टेबल वैकेंसी 2024। दोस्तों इससे पहले मैंने नोटिफिकेशन का दिया था बना के आपको वीडियो कि आप जो कैंडिडेट हैं वो किस प्रकार से ये फॉर्म भर सकते हैं, कैसे कैंडिडेट भर सकते हैं, क्या एलिजिबिलिटी है, कितना आपका पास योग्यता है, इसके बारे में मैंने पहले ही से आपको बता रखा था। जो 10th पास है वो कांस्टेबल के लिए भर सकते हैं, जो ग्रेजुएशन कम्प्लीट है वो SI के लिए फॉर्म भर सकते हैं इसमें, ठीक है। तो जो भी कैंडिडेट फॉर्म भरना चाहते हैं जल्दी जल्दी आके इस वेबसाइट पे फॉर्म भर लीजिए, क्योंकि साइट खराब हो जाता है तो फॉर्म भरने में बहुत दिक्कत होता है। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं बस एक बात आपसे प्लीज बोलना चाहूंगा कि अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज दोस्तों लाइक सब्सक्राइब कमेंट करके अपना प्यार दीजिए, ताकि मुझे इस टाइप का वीडियो बनाने में और ज्यादा हौसला बढ़े मैं आप लोग को बताऊं। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले दोस्तों आपको मैं बता दूं, अगर आप ये फॉर्म भरना चाहते हैं तो आप फास्ट जॉब सर्च के साइट पे भी आ जाइएगा। गूगल ओपन करके फास्ट जॉब लिखिएगा साइट पे, तो आपको ये जो आपको नोटिफिकेशन दिख रहा है ना आरपीएफ कांस्टेबल वैकेंसी, ये लिंक ओपन हो जाएगा, ठीक है। दोस्तों कांस्टेबल का अलग वैकेंसी उसमें शो करेगा और आपको ये जो SI है उसके लिए अलग शो करेगा, मगर लिंक दोनों एक ही है, बस अलग अलग वेबसाइट द्वारा बना के, मगर सब एक ही लिंक पे वो मिल जाएगा। सबसे पहले देखिए ये तो लिंक मिल गया दोस्तों, आपको क्या करना, सीधा सीधा आपको यहाँ पे स्क्रॉल करके नीचे आ जाना, यहाँ पे अप्लाई ऑनलाइन क्लिक है टू, जैसे क्लिक किया दोस्तों तो आपको कुछ इस प्रकार का इंटरफेस खुल जाएगा, ठीक है। क्लिक करने के बाद तो जो इंटरफेस खुलेगा ना दोस्तों उसमें करना क्या है समझ लीजिए। पहले आपका सबसे पहले रजिस्ट्रेशन होगा, और एक बात ध्यान दीजिएगा दोस्तों, जो भी कैंडिडेट इससे पहले रेलवे का टेक्नीशियन का फॉर्म भर रहे हैं या लोको पायलट का फॉर्म भर रहे हैं, वैसे कैंडिडेट अगर फोटो अपलोड फॉर्म अपलोड या फॉर्म भरेंगे तो जो ओल्ड कैंडिडेट है उनको फिर से फॉर्म भरने की कोई जरूरत नहीं है। बस उनको क्या करना है कि जहां पर आपको क्रिएट अकाउंट है यहां पर आपको लॉगिन अकाउंट आ जाएगा, मतलब यहां आप ध्यान दीजिएगा यहां पे क्या लिखा है, ऑलरेडी हैव एन अकाउंट। इसमें क्या करना है कि जो भी कैंडिडेट इसको अप्लाई कर रहे हैं, अगर आप ओल्ड कैंडिडेट है, आपने लोको पायलट का फॉर्म के लिए अप्लाई कर रखा है ऑलरेडी, टेक्नीशियन कर रखा है ऑलरेडी, तो आपको सीधा सीधा यहाँ पे ऑलरेडी हैव एन अकाउंट पे क्लिक कर देना, ठीक है। मगर जो कैंडिडेट पुराने मतलब न्यू फॉर्म भर रहे हैं, जो कैंडिडेट न्यू फॉर्म भर रहे हैं उनको क्या करना है, क्रिएट एन अकाउंट, ठीक है। चलिए तो क्रिएट एन अकाउंट में न्यू वाले के लिए पहले अच्छा से बता दूं, ओल्ड वाले को तो मैंने समझा दिया कि जो ओल्ड कैंडिडेट है उनको बस लॉग इन करना, सब फॉर्म का फील ही होगा, बस आपको फॉर्म को चेक करके डाटा को चेक करके सेव कर देना, पेमेंट कर देना, आपका फॉर्म फिलअप हो जाएगा, कोई बड़ा इशू नहीं है ओल्ड कैंडिडेट के लिए बता रहा हूँ, बट न्यू कैंडिडेट के लिए स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ कि कैसे फॉर्म भरेंगे। सबसे पहले ये जो फर्स्ट स्टेप है ना दोस्तों, ये रजिस्ट्रेशन है, तो रजिस्ट्रेशन में क्या करना होता है, यहाँ पूछ रहा है कंट्री ऑफ नेशनलिटी, इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे इंडिया सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। फिर आपका यहाँ पे क्या नाम है, फुल नेम, रीटाइप फुल नेम, मतलब एक बार इसमें नाम लिखना है आपको, एक बार फिर एक बार इसमें नाम लिखना है। इसके बाद पूछ रहा है कि हैव यू चेंज योर नेम, मान लीजिए आपने जो नाम डाला बाद में उसको चेंज करेंगे तो नहीं, जब जो नाम है वही रहेगा तो उसको चेंज नहीं करना, तो नो कर दीजिएगा, ठीक है। इसके बाद आपका डेट ऑफ बर्थ भी आपको एक बार नहीं दो बार भरना है, क्योंकि एक बार इधर भरना है, एक बार इधर भर के कंफर्म करने के दो बार डेट ऑफ बर्थ, ताकि आपको फॉर्म भरने में कोई गलती नहीं हो। इसके बाद आपको जेंडर हो गया, जेंडर में भी आपको जो भी है मेल है फीमेल है जो भी है, तो वो इस तरह से कैंडिडेट क्या करेंगे, मेल फीमेल जो भी रहेंगे वो सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद यहाँ पे उनका फादर्स नेम, दोबारा से फादर्स नेम, मदर्स नेम, फिर दोबारा से मदर्स नेम। दोस्तों ऐसे करने से क्या होगा ना, गलती नहीं होता, ठीक है। कुछ भी अगर गलती होगा तो एक तरफ मैच करेगा एक तरफ मैच नहीं करेगा, ठीक है। तो ऐसे डाल देना है। इसके बाद यहाँ पे आपको अपना आधार नंबर देना है, ठीक है। यहाँ आधार नंबर डालेगा वेरीफाई यूजिंग आधार देना है। एक बात और दोस्तों मैं बता दूं आपको, जो भी कैंडिडेट ये फॉर्म भर रहे हैं अगर उनका 10th के मार्कशीट में जो नाम है वही आधार कार्ड पे है, तब तो आप आधार कार्ड नंबर इसमें डाल दीजिए, ठीक है। बाय द वे आपके पास आधार कार्ड नहीं है या आधार कार्ड है भी तो आपका 10th का डिटेल गलती है, तो उस कंडीशन में आप यहाँ पे आई डोंट हैव एन आधार कार्ड का ऑप्शन जो क्लिक करिएगा ना, तो इस कंडीशन में क्या करना होगा, इसमें आपको जो है जैसे इस पर क्लिक करते ना, मैं आपको थोड़ा सा दिखा देता हूँ स्क्रॉल करके, तो आपको थोड़ा ज्यादा समझ में आएगा। ऐसे क्लिक किए, ठीक है, आई डोंट हैव आधार कार्ड किए, इस पर जैसे क्लिक करेंगे ना यहाँ पे मेरा ऑप्शन सब चेंज होगा, और वहां पर मुझे बताया जाएगा कि आप अपना वोटर आईडी कार्ड दे सकते हैं, आप अपना राशन कार्ड दे सकते हैं, बैंक का पासबुक दे सकते हैं, इस टाइप से आपको प्रूफ के बारे में बताया गया। ये इस प्रकार से देखिए, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, पैन कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, एम्प्लॉयमेंट आईडी या स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी इफ स्टिल स्टडिंग, ठीक है। देखिए स्कूल में जैसे कि आप 10th का मार्कशीट है ना दोस्तों, तो आप मार्कशीट ही डाल दीजिए, ठीक है। पैन कार्ड में सही है तो पैन कार्ड ही डाल दीजिए, जो भी डॉक्यूमेंट आपका सही है इतना प्रूफ में वो आप डाल सकते हैं, ठीक है।
ताकि आपको वहां पे आइडेंटिफिकेशन के लिए जरूरी पड़ेगा तो यही लेके जाना आपको, ठीक है। चलिए, मेरा तो आधार ठीक था तो मैंने क्या, मैं आधार नंबर ही सही भरूंगा तो मैं आधार पे आगे बढ़ जाऊंगा। अगर आपके पास नहीं है तो ऐसा करना है आपको, ठीक है। चलिए, इसके बाद आपका ईमेल आईडी डालना होगा, जनरेट ओटीपी करेंगे तो एक ईमेल पे ओटीपी जाएगा, वो डाल के इसमें वेरीफाई करना होगा। इसके बाद मोबाइल नंबर में भी सेम मोबाइल नंबर डालना होगा, जनरेट ओटीपी करेंगे तो मोबाइल पे ओटीपी जाएगा, उसको डाल के इसको वेरीफाई कर देना। इसके बाद आपको आता है पासवर्ड। पासवर्ड करना क्या दोस्तों, आप जो पासवर्ड बनाओगे ना, तो आप पासवर्ड किस प्रकार से बनाओगे, जैसे कि आपका नाम का अक्षर जो है ना कैपिटल लेटर में चाहिए, ठीक है, और आपका जो नाम का फुल लेटर, जैसे मान लीजिए मेरा नाम शुभम है तो कैपिटल में एस, उसके बाद स्मॉल में शुभम, एट द रेट, स्पेशल कैरेक्टर भी डालना इसमें और कुछ न्यूमेरिकल वर्ड भी डालना, ठीक है। जैसे कैपिटल में शुभम एट द रेट 123 1245, मतलब एक बताता हूँ आपको इस प्रकार से आपको पासवर्ड बनाना है, जिसमें आपको स्पेशल कैरेक्टर, आपका नाम और एक न्यूमेरिकल वर्ड, दो न्यूमेरिकल वर्ड भी होना चाहिए, ठीक है। ये सब डालने का कैप्चा ऑप्शन पर डाल देना। कैप्चा ऑप्शन डालने के बाद प्रीव्यू यानी क्रिएट अकाउंट पर क्लिक कर देना। जैसे जो क्लिक करेंगे ना दोस्तों, तो आपने जो फादर नेम, मदर नेम, डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर, ATC कुछ भी भरा है ना, वो सब आपको प्रीव्यू हो जाएगा। प्रीव्यू जो होगा ना दोस्तों, तो उसमें आपको देखना होगा कि आपने जो डाटा डाला है वो सब सही डाला है या नहीं। अगर सही डाला है तो कन्फर्म करेंगे, गलत डाला है, कुछ गलती हो गया तो मॉडिफाई कर लेंगे, ठीक है। जैसे ही कन्फर्म करेंगे दोस्तों, तो आपका जो ईमेल आईडी है और आपने जो पासवर्ड बनाया है, ठीक है, आपने जो पासवर्ड बनाया है वो, और आपका जो ईमेल आईडी वो आपका यूजर आईडी होगा, ठीक है। तो यूजर आईडी पासवर्ड तो समझ में आ गया कि चलो ये दोनों हो जाएगा, ठीक है। मगर यूजर आईडी पासवर्ड के बाद क्या है दोस्तों, कि आप क्या करने हैं, जैसे रजिस्टर हो जाएगा तो आपको लॉग इन करने का ऑप्शन मिल जाएगा, ठीक है। तो जो लॉग इन करेंगे ना दोस्तों, आप लोग यहाँ पे क्लिक है टू लॉग इन, इस बाद वापस आपको आ जाना है क्लिक है टू लॉग इन करने पे। लॉग इन करने के बाद जैसे लॉग इन करेंगे तो कुछ इस प्रकार का इंटरफेस दिखेगा आपको, ये देख लीजिए ध्यान से दोस्तों, ठीक है। तो जैसे इस प्रकार का इंटरफेस खुलेगा ना, कंटिन्यू करेंगे, जैसे लॉग इन करेंगे ना, पहले आपको इस पे आएगा जनरल इंस्ट्रक्शन पर आएगा, ये इंस्ट्रक्शन पढ़ने के लिए बोल रहा है, आपको पढ़ लीजिएगा साथ, उसके बाद ऑनलाइन एप्लीकेशन में क्लिक कर लीजिएगा और इसके बाद आगे बढ़ गए इस प्रकार से, जैसे मैं बता रहा हूँ आपको। बढ़ने के बाद जो मैंने बढ़ गया इसमें, अब क्या करना है, इसमें पूछ रहा है, आप ध्यान दीजिएगा, आई एम नॉट करेंटली डिवाइडेड बाई एनी RRB एंड RRC। डिवाइडेड का मतलब होता है क्या, निष्कासित किए गए, मान के चले, हो सकता है कि कोई पुराने कैंडिडेट है जो रेलवे का फॉर्म भरे थे या रेलवे में है, वो किसी कारण से रेलवे उनको निकाल दिया, ठीक है। तो अगर है तो यस कर, मतलब क्या करना है, नेक्स्ट डायरेक्टर को यहाँ पे यहाँ आ जाएगा नेक्स्ट करने का ऑप्शन, और अगर नहीं है तो क्या करना है, इस पे नॉट, यहाँ पे आई एम नॉट मतलब मैं नहीं हूँ, ठीक है। और एक बात दोस्तों, यहाँ पे देखिए, ये सब इंस्पेक्टर मतलब SI का फॉर्म है और ये आपको है कॉन्स्टेबल, ये आपको क्या है कॉन्स्टेबल के फॉर्म, यहाँ पे लिखा ना कॉन्स्टेबल। तो जो भी कैंडिडेट फॉर्म भरेगा ना कॉन्स्टेबल, या आपको जो भी कॉन्स्टेबल का जो फॉर्म डालेंगे ना, आपको क्या करना है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा मेरी बातों को। अगर आपको सिर्फ कॉन्स्टेबल बनना है, मान लीजिए आप 10th कंप्लीट है, ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं है, 10th वाले कैंडिडेट अगर फॉर्म भर रहे हैं, ठीक है, तो क्या करेंगे, कॉन्स्टेबल वाला पे ऑप्शन में नेक्स्ट कर देंगे इस प्रकार से। चलिए मुझे कॉन्स्टेबल बनना है, मान लीजिए अगर आपको दोनों भरना है ना दोस्तों, तो आपको वापस तो उसी आईडी को लॉग इन करना है, एक बार आप कॉन्स्टेबल का फॉर्म भरेंगे, एक बार आप ये SI का फॉर्म भरेंगे, दोनों आपको एक एक करके भरना होगा, ठीक है। अगर दोनों पद के लिए भरेंगे तो, अगर एक पद के लिए भरेंगे सिर्फ, आपको क्या भरना है कॉन्स्टेबल के लिए, तो यहाँ पे पढ़ लीजिएगा, यहाँ कॉन्स्टेबल लिखा हुआ ना, क्लिक कर दिया नेक्स्ट कर दिया। जैसे ही नेक्स्ट करेंगे दोस्तों इस प्रकार से, तो आपका जो डाटा है वो ऑलरेडी जो ओल्ड कैंडिडेट है उनके लिए बता रहा हूँ, ऑलरेडी उनका डाटा इसमें फिलअप होके बताएगा कि चलो आपका डाटा फिल है, ठीक है, यहाँ पे मेरा फिलअप डाटा बता रहा पूरा, ठीक। मगर जो कैंडिडेट आपको न्यू होंगे तो उनको क्या करना है, यहाँ पे आपका कंट्री सिलेक्ट होगा ऑलरेडी, यहाँ का डेटा ऑलरेडी सिलेक्ट होगा, ठीक है। तो क्या करना है, सेलेक्ट वाला को छोड़ देना है आपको, ठीक है, इस प्रकार से। और आपका जो डिटेल है, ठीक है, आपका जो लैंग्वेज है, इस प्रकार से आपको क्या करना है, मैरिटल स्टेटस, आपका रीजन, आपका मदर टंग, इस प्रकार से, मान लीजिए आप शादीशुदा है तो मैरिड अनमैरिड ऑप्शन पे क्लिक कर देना है, हिंदू है, रिलीजन में आपका मतलब जो भी कास्ट है, हिंदू मुस्लिम सिख है जो भी है वो सिलेक्ट कर देना है, मदर टंग जो भी आपका हिंदी उर्दू जो भी है वो आपको यूज कर देना है, जो वैसे तो हिंदी होगा ऑप्शन तो हिंदी कर देना, ठीक है। चलिए उसके बाद आपका यहाँ पर हो जाता है कैटेगरी, दोस्तों मैं अनरिजर्व हूँ तो मैं अनरिजर्व ऑप्शन में क्लिक कर लिया, मान लीजिए आप ओबीसी होंगे या EBC होंगे, तो जो कैंडिडेट ओबीसी होंगे वो NCL देके फॉर्म भरेंगे, NCL का ऑप्शन मांगने लगेगा उनको, मैं एक बार इस पर दिखा देता आपको ओबीसी ऑप्शन, ठीक है। जैसे ओबीसी पे क्लिक किया दोस्तों, यहाँ पर तुरंत मुझे बोल दिया कि आप NCL डालिए, ठीक है, यहाँ पर देना आपके पास क्रिमिनल है आपको यहाँ पर डालिए, ठीक है। चलिए ये डालना पड़ेगा, ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन दे दिया क्रीम लेयर वाला, ठीक है। और
अगर नहीं है तो आपके पास, अगर नहीं है यू डू हैव नॉट, अगर आप नहीं है नॉन क्रिमिनल में, ओबीसी नॉन क्रिमिनल नहीं है तो क्या करना है, नहीं डालना है, ठीक है। अगर है तो, अगर देखिए दोस्तों एक बात और बता दू, एनसीएल लगाने से क्या बेनिफिट होता है दोस्तों, कि कट ऑफ जो जाता है ना ओबीसी का जो कट ऑफ जाता है, तो एनसीएल लगाने से थोड़ा सा उनको और छूट मिल जाता है एनसीएल लगाने से, तो ठीक है। ओबीसी कैंडिडेट को तो मैं तो जनरल हूं दोस्तों, मैं जनरल पे ही सिलेक्ट करके आपको बताऊंगा, ठीक है। चलिए अनरिजर्व सिलेक्ट कर लिया इस प्रकार से। अब आपका क्या है, आपका जो है परमानेंट एड्रेस, ठीक है, तो परमानेंट एड्रेस आप डाल दीजिए इस प्रकार से। आपका जो परमानेंट एड्रेस है, जैसे कि आप बिहार से है, डिस्ट्रिक्ट डाल दीजिए, फुल एड्रेस यहाँ पर डाल दीजिए, जैसे कि आपके मोहल्ले का नाम, आपका पोस्ट ऑफिस, आपका ब्लॉक, आपका थाना, जो भी है, जो भी आपका फुल डिटेल है, ठीक है, वो डाल दीजिए, ताकि आपका अगर सिलेक्शन होता है तो कोई पेपर अगर आपको आता है तो आपको एड्रेस सही सही डाला रहेगा, तो आसानी से आ जाएगा, ठीक है। चलिए ये तो डाल दिया, ये सब हो गया, चलो नेक्स्ट करेंगे दोस्तों। नेक्स्ट करने के बाद क्या रहता है, अब आपका रहता है एजुकेशन क्वालिफिकेशन, ठीक है। एजुकेशन यहाँ पे क्या, अदर डिटेल, सॉरी दोस्तों यहाँ पे अदर डिटेल्स, यहाँ पर मैं एक लाइन में आपको समझाना चाहूंगा। यहाँ पूछ रहा है आर यू एन एक्स सर्विसमैन, अगर है तो यस, नहीं है तो नो। मैं भाई न्यू कैंडिडेट, मैं तो एक्स सर्विस हो ही सकता, तो मैं नो कर दिया, ठीक है। इसके बाद यहाँ पूछ रहा है कि आर यू पर्सन विथ बेंचमार्क डिसेबिलिटी, मतलब क्या आप विकलांग है, नहीं है, नो कर दिए। इसके बाद आर यू एन ईबीसी सर्टिफिकेट, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, जो कैंडिडेट ओबीसी होंगे, मतलब ओबीसी टू में होंगे, तो वो तो उधर ही सिलेक्ट कर दिए, यस, ठीक है। जो कैंडिडेट ईबीसी में आएंगे, अगर ईबीसी होंगे तो यहाँ पे क्या करेंगे, यस करेंगे, नहीं तो नो कर देंगे, ठीक है। चलिए इसके बाद यहाँ पे पूछ रहा है कि डिटेल्स ऑफ सर्विस रेलवे एप्लीकेशन, तो मेरा जॉब रहेगा तभी तो मैं डिटेल्स दूंगा, तो यहाँ पे यस या नो का ऑप्शन है, मैं क्या कर दिया यहाँ पे, नो कर दिया, ठीक है। चलिए इसके बाद यहाँ पूछ रहा है करेंट एम्प्लॉयमेंट डिटेल, यहाँ भी मैं एम्प्लॉय नहीं हूँ तो मैं क्या करूंगा, नो कर दूंगा। जो कैंडिडेट रेलवे में है वो यस करेंगे, जो नहीं है वो नो कर देंगे, ठीक है। इसके बाद आर यू कोर्स कंप्लीटेड एट एफिशिएंट, तो यहाँ भी बात ध्यान दीजिए दोस्तों, अपेंटिस का ये फॉर्म, कोई ऐसे कैंडिडेट जो अपेंटिस का फॉर्म भर के, रेलवे का जो अपेंटिस का फॉर्म आता है वो तैयारी करते रहते हैं या होने वाला होता है या उनका कंप्लीट हो गया रहता है, वैसे कोई कैंडिडेट होंगे जिसमें यस कर देंगे, नहीं तो नो कर देंगे, ओके। चलिए इसके बाद यहाँ पे देखिए, जो यहाँ पे बैंक अकाउंट नंबर के बारे में डिटेल दिया गया है, ये मैंने एक ऐसी बस रॉन्ग नंबर में अकाउंट में डाल दिया बस आपको समझाने के लिए, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे क्या है, आपका अपना जो बैंक का डिटेल है ना वो आपको प्रॉपर ढंग से इसमें डाल देना, ताकि आपको कुछ मिस्टेक नहीं हो, ताकि आपका पैसा जो है रिटर्न आ सके, 50% जो लगभग आ जाता पैसा वो रिटर्न आ जाएगा, ठीक है। चलिए सेव करेंगे फिर नेक्स्ट करेंगे। सेव करने के बाद, क्योंकि जो भी डाटा आपने भरा है आपको सेव करना, नेक्स्ट करना, जो कि मैंने आपको पहले बता दिया कि आपका ये फॉर्म अगर कांस्टेबल के लिए भर रहा है तो कांस्टेबल में मेरा ऑलरेडी ये सिलेक्ट है, मतलब कांस्टेबल ही मैं मुझे भरना है, तो मैं क्या क्या मैट्रिक मेरा ऑलरेडी सिलेक्ट है, मेरा डाटा इसमें ऑलरेडी फिल है, मैं ओल्ड कैंडिडेट हूँ। अगर आप न्यू कैंडिडेट होते हैं तो क्या करना है, आपको इस प्रकार से ये ऐसे इंटरफेस खुलेगा, अब क्या भरना होगा, मैट्रिकुलेशन अगर सिलेक्ट रहेगा, स्टेट सिलेक्ट रहेगा, क्या डालना है वो डालना है आपको, डिस्ट्रिक्ट डालना है आपका, आपका बोर्ड कौन बोर्ड से पास हुए, बिहार बोर्ड के अलावा भी तो दूसरे राज्य के कैंडिडेट में फॉर्म भर रहे हैं, तो जो भी अदर राज्यों के भी होंगे तो इस प्रकार से वो डालेंगे, डेट ऑफ पासिंग डालेंगे, रोल नंबर डालेंगे, इस प्रकार से डालने के बाद, डालने का क्या करना आपको, इसको मतलब सेव कर देना और सेव कर इसको नेक्स्ट कर देना। जैसे ही नेक्स्ट करेंगे दोस्तों, अब मुझे आ जाता फोटो और सिग्नेचर। दोस्तों एक बात और ध्यान दीजिएगा, यहाँ जो फोटो और सिग्नेचर अपलोड करने का ऑप्शन है वो तो है बहुत आसान, मगर फर्स्ट टाइम आप करेंगे ना फॉर्म भरेंगे तो आपको थोड़ा सा दिक्कत होता है अपलोड करने में, फिर भी मैं आपको समझा देता हूँ। आप जो यहाँ फोटो अपलोड करेंगे ना दोस्तों, तो फोटो में क्या लिखा हुआ है कि आपका फोटो जो है 3.5 सेंटीमीटर इंटू 4.5 सेंटीमीटर का होना चाहिए और 30 केबी से 70 केबी का होना चाहिए। तो मैंने फोटो को रिसाइज कर लिया है ऑलरेडी से, आप भी ऑनलाइन वेबसाइट पर देख के कर सकते हैं। अगर आपको नहीं आता तो मैं नेक्स्ट वीडियो में बताया रहूंगा कि आप कैसे इस फॉर्म में आप फोटो और सिग्नेचर अपलोड करेंगे, तो आप मेरा नेक्स्ट वीडियो देख लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा कैसे करना है। अगर आपको ऑलरेडी आता है तो आप कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको पहले फोटो अपलोड करना है और फिर सिग्नेचर भी आपको अपलोड करना है जो कि आपको लिखा हुआ है। फोटो के लिए डिक्लेरेशन दिया गया दोस्तों, गाइडलाइन दिया गया है कि आपका फोटो व्हाइट बैकग्राउंड में होना चाहिए सबसे पहली बात, और पिक्सल जो है वो सब तो क्लियर लिख दिया गया जो कि आप नोटिफिकेशन में देख ही रहे हैं। सिग्नेचर में भी सिर्फ व्हाइट बैकग्राउंड पे आपको ब्लू या ब्लैक पेन से यूज करना है और इसमें आपको जो सिग्नेचर वो लिखना है जो कि 30 से 70 केबी के अंदर होना चाहिए और जेपीजी फॉर्मेट में होना चाहिए। पिक्सल में भी दिया गया कि इतना बाई इतना पिक्सल, मतलब 140x60 पिक्सल में इसका सिग्नेचर होना चाहिए। तो ये कम्प्लीटली बता दिया गया है इस प्रकार से कि आपको इस प्रकार से डाटा होना चाहिए। बस इसके करने के बाद आपको क्या करना, फोटो अपलोड कर देना, सिग्नेचर अपलोड कर देना, नेक्स्ट कर देना।
जैसे ही नेक्स्ट करेंगे ना दोस्तों, तो आपको जो है अब आ जाएगा जो आपका डिटेल, सब आपने कंप्लीट कर रखा है ऑलरेडी, आपका जो भी डिटेल है फुल जो डिटेल है वो सब फिर भी करेंगे ऑप्शन देगा। पहले तो आपको यहाँ पे पहले भरना होगा, पहले भर दीजिएगा, इस पे क्लिक कर दीजिएगा, ठीक है। अब प्रीव्यू कर लीजिएगा, जैसे प्रीव्यू करेंगे ना दोस्तों, तो आपका नाम, आपका डेट ऑफ बर्थ, आपके मदर का नाम, आपके फादर का नाम, आपने जो भी डिटेल डाला है वो सब आपको प्रॉपर दिखा देगा। आप अच्छा से पहले डिटेल मिला लीजिएगा, एक एक चीज को देख लीजिएगा कि आपका गलती है या सही है। जब सब कुछ सही हो तभी जाके आप पेमेंट वाले सेक्शन पे आगे बढ़िएगा। पेमेंट भी बहुत आसान है दोस्तों, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड और QR कोड के माध्यम से भी इसमें पेमेंट ले रहा है। तो आपको QR कोड से भी पेमेंट अगर करना है तो आप आसानी से QR कोड के माध्यम से पेमेंट कर सकते हैं। तो जो भी कैंडिडेट ये फॉर्म भरेंगे ना दोस्तों, अगर कहीं भी फॉर्म भरने में दिक्कत हो, परेशानी हो, आप मुझे कमेंट कीजिए। रेलवे पुलिस फोर्स का जो भी फॉर्म में आपको प्रॉब्लम आ रहा है, कांस्टेबल या दरोगा वाले फॉर्म में, आप मुझे बताइए, मैं उसको कंप्लीट कर दूंगा। इसी में मैं एक चीज और आपको क्लियर करना चाहता हूँ, एक बार और ध्यान दीजिएगा। जो भी कैंडिडेट जैसे कि SI के लिए भी फॉर्म भरेंगे ना, तो नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है उनको, बस अगर SI के लिए फॉर्म भरना है, ठीक है, तो वो बैक करके जैसे कि इसको सेव कर लीजिए आप, और फिर से अपने सेक्शन पे जाइए वापस से, और सेम प्रोसेस में आपको कर देना है, डिटेल जाके भर देना है, एक वन स्टेप बाय स्टेप जो भी आपका डिटेल है, और भरने के बाद जैसे जैसे मैं बता रहा हूं आपको, ठीक है, भरने के बाद आपका स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट हो जाएगा। और वहां जो SI का फॉर्म, उस ऑप्शन में आपको जैसे SI पे ही पहले भरना है तो SI को सेलेक्ट कर लीजिएगा, और जहां पे आप 10th का सिर्फ डिटेल डाले हैं वहां 10th और ग्रेजुएशन दोनों का डिटेल डालना होगा। तो आप 10th मतलब जो 10th लेवल पे कांस्टेबल था वो भी कंप्लीट हो गया आपको, और जो ग्रेजुएशन लेवल पे कंप्लीट था आपका SI का फॉर्म वो भी कंप्लीट हो गया। तो आप बस आपको कुछ करना नहीं है, फॉर्म में कोई चेंजिंग नहीं करना है। अगर SI का भी फॉर्म भरना है आपको तो बस पहले आप कांस्टेबल का कंप्लीट कर लीजिए, फिर आप सेव कर लीजिए, फिर से इसको लॉग इन कीजिए, और उसके बाद SI वाला ऑप्शन पे क्लिक करके फॉर्म को स्टेप बाय स्टेप बढ़ते जाइए। जहां पे आपका डॉक्यूमेंट डालना होता है, डॉक्यूमेंट के बारे में डाल जाते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन में, वहां सिर्फ ऐड का जो ऑप्शन दिया हुआ था उस पर एड कर दीजिएगा, और ग्रेजुएशन का फुल जो डिटेल्स में मांगा जाता है, जैसे कि आप किस बोर्ड से हैं, किस स्टेट से हैं, आपका डिस्ट्रिक्ट क्या है, ठीक है, ये सब आपको अपना एक एक करके इसमें फिलअप कर देना है। फिलअप करने के बाद आपका SI का भी फॉर्म, फोटो सिग्नेचर, सेम प्रोसेस, सेम कुछ भी चेंज नहीं, सेम करने के बाद यहाँ तक पहुंच जाइए, प्रीव्यू कर लीजिए। जब कुछ सब कुछ सही हो आपका, तब जाके आपको क्या करना है, इसका पेमेंट करना। अगर आपका डाटा गलती है तो अभी भी आपके पास ऑप्शन है, आप दूसरे ईमेल आईडी नंबर से आप फिर से फॉर्म भर सकते हैं, मगर जैसे ही पेमेंट कर दिया तो आप एडिटिंग नहीं कर सकते फिलहाल तत्काल। हाँ, इसमें करेक्शन विंडो भी खुलता है कि अगर आप कुछ गलती कर दिए हैं तो आप करेक्शन विंडो को ओपन करके, आप जब करेक्शन विंडो का डेट आएगा तो उस डेट में आप इसको एडिट कर सकते हैं। दोस्तों अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर कीजिएगा। कहीं भी दिक्कत परेशानी हो तो आप मुझे बताइए, मैं जरूर इसका रिप्लाई दूंगा। थैंक यू दोस्तों।